Hello my dear friends, welcome back my YouTube channel JSSb for physics. JSSb for physics है. बहुत से लोग सोचते हैं JSSb बोल देता, पर बोलता हूँ JSSb for physics जो लिखा भी है, ठीक है. यहाँ पर आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक मिराज पढ़ाने जा रहा हूँ. मिराज जिसे धोखा कहते हैं, धोखा, इल्यूजन. क्या होता है ये धोखा? धोखा क्या होता है, कैसे धोखा होता है, क्या होता है, क्या इसकी क्या थीम है, क्या समरी है, ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आज के टॉपिक में. तो जिन भाइयों को देखना हो तो वीडियो पूरी तरह देखें और बाकी कुछ कहते नहीं मैं. तो क्लास 12th JSSb फॉर फिजिक्स एप्लीकेशन TIR. जैसा कि आपको पता है मैं एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ TIR का. TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके. जिसका मैं पहला टॉपिक पढ़ा चुका हूं आपको कि हीरा चमकता कैसे है, डायमंड साइन कैसे करता है, चमकता कैसे, ये मैं आपको बता चुका हूं. अपने इसी का जो पहला वीडियो था, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर का, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था. जिन भाइयों ने ना देखा हो प्लीज उसको देख लें. उससे एक दो नंबर का क्वेश्चन आता है कि हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है, तो आप कहना पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है. वैसे कभी कभी आपको डिटेल में पूछ देता है, सर उसको डिटेल नहीं पूछेगा कभी भी, उसको पूछेगा तो दोनों में पूछेगा, इसको डिटेल में पूछेगा कि रेगिस्तान की मरीज का, हिंदी वाले बच्चों, रेगिस्तान की मरीज का, जिसे मिराज इन डेजर्ट कहते हैं, मिराज जिसे भ्रम कहते हैं, वो क्या होता है, किस अनुप्रयोग पर आधारित है, किस एप्लीकेशन पर आधारित है, ये पूछ देता है हमारे यूपी बोर्ड में. तो आज देखते हैं क्या होता है भाई धोखा. इसे हम शाब्दिक में धोखा कहते हैं, जो ये मिराज होता है, इसे हम शाब्दिक भाषा में, अपनी जो बोलचाल वाली भाषा, शाब्दिक भाषा समझते हो क्या होती है, शाब्दिक भाषा, शाब्दिक लैंग्वेज क्या होती है, जैसे कि उरे, कुरे, कुत्ता, भंगी, ये अच्छी मत कहना, ये शाब्दिक लैंग्वेज होती है जो हम लोग जनरल में उपयोग करते हैं. फिलहाल कुत्ता भंगी एक आसिम बोल गया, सॉरी 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 सॉरी, ये मत नहीं बोलने, तू तड़ाका वाली लैंग्वेज, जैसे कि तू कहाँ गया था, ऐसे इसे हम धोखा बोलते हैं शाब्दिक लैंग्वेज, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में धोखा. ओके, क्या होता है मिराज, आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में, रेगिस्तान की मरीज का, उसे ही कहते हैं मिराज, शॉर्ट फॉर्म में मिराज. एक ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, और उसके बारे में जानते हैं क्या होता है बिना टाइम वेस्ट किए. देखो ये देख रहे हो, किस किस को यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर ये वाटर है, किस किस को लग रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर पानी है, शायद सभी को लग रहा होगा यहाँ पर पानी है, लग रहा है यार, मुझको भी लग रहा है यहाँ पर पानी है, पर रियलिटी में बताऊँ यहाँ पर पानी है नहीं, यही तो भ्रम है भाई. कैसे ये भ्रम होता है भाई, यही तो आपको पता करना है. देखो डेजर्ट, ये घटना डेजर्ट में होती है, और जहाँ रोड बन रही हो, कोल टावर, मतलब गरम गरम का जो डामर जो पड़ा होता है रोड पर, और रोड तैयारी पर हो, रोड बन रही हो, वहां पर भी ये घटना देखने को मिलती है अधिकांशता, यहाँ पर भी, डेजर्ट में भी, वहां पर भी, ठीक है. तो किस किस को लग रहा है यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी वाली कुछ नहीं है, क्या है यहाँ पर, वो हम पता करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, आगे आने अभी पता करेंगे, ठीक है, अभी इसको पता करेंगे. देखो ये क्या लेकर आ गए, रंगीन का एक हसीन सा टेक्स्ट, इसे टेक्स्ट कहते हैं, इस पूरी इस स्लाइड भी कह सकते हो, इसे टेक्स्ट भी कह सकते हो, इसे और कुछ भी नहीं कह सकते हो. देखो एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, ऑब्जर्व इन लिखा है यहाँ पर, थोड़ा मैं फोटो में छिप गया, ऑब्जर्व इन डेजर्ट्स या ओवर हॉट सरफेस लाइक कोल टायर्ड रोड, ये रेड, ये भी रेड, तो रेड रंग बदलते हैं, ठीक है. देखो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है ऑब्जर्व इन डेजर्ट में होता है, ओवर हॉट सरफेस लाइक कोल टायर्ड रोड, ये क्या है, इस बात को समझते हैं. पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो मिराज होता है, जो धोखा होता है, जो इल्यूजन होता है भाई, रेगिस्तान की मरीज का होती है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है. इल्यूजन कुछ लोग इंग्लिश अच्छी होती है समझ गए, भ्रम, एक भ्रम होता है कि वहां पर भाई, क्योंकि यार डेजर्ट में लोग पानी की, पानी कम है वहां पर, तो यात्रीगण जो पानी की तलाश में जाना होते हैं, तो उन्हें लगता है भाई कि पानी है वहां पर पानी नहीं होता है, मुझे लगता है कैसे वहां पर पानी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, नीचे जो फिगर होगा उसे समझाऊंगा, ठीक है. तो आप जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा, लिखना पड़ता है इसके बारे में, पूछ देता है डिटेल में, मतलब बढ़न करिएगा तो भी लिखना पड़ता है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये एक भ्रम है. जैसे डेजर्ट, ये घटना डेजर्ट में होती है,
किसमें होती है, ये जो घटना होती है ये कहाँ कहाँ पर होती है, ये डेजर्ट में होती है, इन ओवर हॉट सरफेस, चाहे गर्म सरफेस होती है, लाइक मतलब जैसे कोल्ड टायर्ड रोड, डामर वाली रोड, हिंदी भाषा में डामर वाली रोड, कभी कभी देखा जब डामर रोड पर पड़ता है, ये भी वहां पर घटना होती है। आपने देखा होगा, कभी गौर किया है कि जब वो रोड बनाते हैं, डामर वाली रोड जो बनाते हैं, जैसे कि कोई रोड बना रहा वहां पर राहगीर, पर उसके जूते देखे, जूते उसके जूते अलग तरीके के होते हैं, हमारे जूते से डिफरेंट होते हैं, क्यों, कि उसके जूतों में डामर नहीं चिपकता है, क्योंकि डामर गर्म होता है, चिपक जाएगा उसके जूतों में, उसके पैर जल जाएंगे, तो उसके जूते कुछ अलग प्रकार के होते हैं, होते कैसे हैं ये तो मुझे नहीं जानकारी इतनी है, पर इतना बता उसके जूते हमारे जूते से डिफरेंट होते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये डेजर्ट में अधिकतर पाया जाता है और कोल्ड टायर्ड रोड में पाया जाता है, या जहां ओवर हॉट सरफेस हो, जहां ऊपर की सतह ज्यादा ही गर्म हो वहां पर पाया जाता है। ठीक है, इस बात को भी इतना रखो, अब इस चीज को समझते हैं, इस फिगर को समझते हैं, इस फिगर के लिए अपनी फोटो को यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, देखो इस फिगर को समझते हैं पर, आप देखो मैंने आपको कहा, आप माइंड में अपने इमेजिन करना है कि कोई एक गर्म दिन है, एक गर्म दिन समझियो, सूरज की रोशनी काफी तेज, फिलहाल अभी तो सर्दी है, अभी तो मैं जहाँ जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ वहां पर तो सर्दी है, आप इमेजिन करना, डेजर्ट में आप हो, आप डेजर्ट में हो, डेट इज ये आप खड़े हो वहां पर, ये आप खड़े हो एकदम ऐसे मस्ती जैसे खड़े हो, और आप डेजर्ट में हो, प्यास से व्याकुल हो, और सूर्य की काफी भयंकर गर्मी हो, सूर्य काफी तेज हो, ये हमारी सरफेस हो जाएगी, इसे मतलब सरफेस है नीचे हमारी, तो जो सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस इसके ऊपर जो वायु होगी, वायु मतलब जो रेत होगी, रेत में वायु नहीं होती है, वो काफी 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 गर्म होगी, दैट इज यहाँ पर जितनी भी वायु होगी वो काफी कैसे होगी, गर्म वायु होगी, क्यों गर्म होगी भाई, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो उसे काफी हीट करे हुए हैं, क्यों हीट किए हुए हैं, क्योंकि गर्म दिन है भाई, एक मैंने इमेजिन कर लिया कोई गर्म दिन है, हॉट डे इन समर, गर्मी का है, गर्म दिन है, जिसमें जो हमें सरफेस की जो रेत है उसमें गर्म वायु, जहां नहीं वो गर्म है, गर्म वायु, जब आपको पता होगा कोई चीज ज्यादा ही गर्म होती है तो उसके अणु दूर दूर होने लगते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में गैपिंग होने लगती है, उनके बीच गैप होने लगता है भाई, इसके साथ हुआ, इसके साथ क्या हुआ देखते हैं, इसके साथ देखो यहाँ पर जहां ही गर्म वायु होती, जहां ही गर्म वायु होती, जब गर्म वायु होती तो उनके बीच यहाँ पर गैपिंग बढ़ती रही, जब देखो ना यार गर्म अणु है तो अपने आप में दूर होंगे ना, वो क्या होंगे, अपने आप में दूर होंगे, तो दूर होते गए वो वायु ऊपर और दूर होगी इससे, तो उनके बीच गैपिंग बढ़ती रही, फिर कुछ समय बाद वो ठंडी वायु हो जाएगी ना, अब उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, फिर वो ठंडी वायु आ जाएगी, तो ठंडी वायु होगी वो तो सघन माध्यम में होगी, क्योंकि वो पास पास होगी, जो हीटेड वायु होगी, जो हीटेड एयर होगी वो दूर दूर होगी, कुछ लोग समझ गए होंगे, जो दूर दूर होगी वो रेयर मीडियम होगा, कैसा होगा, रेयर मीडियम होगा, डेट इज विरल माध्यम जो लिखा भी यहाँ पर, और जो पास पास होगा वो ठंडी वायु होगी, डेट इज डेंसर मीडियम होगा, ठीक है, ये डेंसर मीडियम होगा, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डेंसर किसे कहते हैं, रेयर किसे कहते हैं, कब डेंसर होता है, कब रेयर होता है, कब प्रकाश के कोई अभिलंब को झुकती है, कब वो दूर जाती है, ये सब आपको नहीं जानना है तो बेंडिंग ऑफ लाइट JSSb सर्च कर देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वीडियो हो जाएगा मेरा ही, बेंडिंग ऑफ लाइट JSSb, या मेरे चैनल पर जाकर दे सकते हैं आप लोग। तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर ठंडी एयर है वो क्या है, एक डेंसर मीडियम है, और जो गर्म एयर है वो क्या है, यहाँ पर जो गर्म एयर है वो एक विरल माध्यम है, और ठंडी वायु है वो सघन माध्यम है, ठीक है, ये कोई ट्री खड़ा है, ट्री ही, क्या बोला मैं, ट्री ही, हिंदी भाषा में वृक्ष खड़ा है, गांव के लोग कहते हैं पेड़ खड़ा है, पेड़, पर थोड़ा मॉडर्न बोलना पड़ता है यहाँ पर, तो ट्री बोलता हूँ इंग्लिश में से, ठीक, ये ट्री खड़ा है, किसका ट्री खड़ा है इसे आपको कोई मतलब नहीं, कुछ लोग आम का ट्री खड़ा है यार, इससे आपको कोई मतलब नहीं, वो किस ट्री का क्या नाम है, बस एक ट्री खड़ा है, इमेजिन कर लो, ट्री आम का तो नहीं खड़ा है, लगता है कोई, उसका वर्णन मत करो क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, तो ट्री खड़ा है, ये ट्री से जो रे आ रही है, यहाँ पर कोई रे आई, इसको रिजय करके समझते, देखो ये कोई ट्री खड़ा है, मैंने आपसे कहा था ये ट्री खड़ा है, ठीक है, इस ट्री से जो रे आई,
सबसे पहले ठंडी सरफेस पे टकराए, तो वहां पर उसने क्या खींचा, एक नॉर्मल खींचा। अब आपको पता होगा प्रकाश जो किरण आ रही है वो सघन माध्यम यानी डेंसर से रेयर की ओर आ रही है। अब मुझे आपसे जल्दी जवाब चाहिए इसका, जब प्रकाश किरण डेंसर से रेयर की ओर आ रही है तो अब प्रकाश किरण झुकेगी कि दूर जाएगी कि कुछ होगा नहीं, जल्दी बताइएगा भाई लोग, जल्दी कमेंट करिएगा कमेंट, मैं बैठा हूं इंतजार कर रहा हूं कमेंट का। जब प्रकाश किरण या ठंडी वायु से गर्म वायु में जा रही है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, तो क्या होगा, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर जाएगी या कुछ नहीं होगा, ये मुझे कमेंट करिएगा, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से कमेंट करिएगा भाई। इतना डिटेल में टॉपिक पढ़ाया था मैंने तो मुझे ही बताया है, पर नहीं देखा आप लोगों ने तो कोई बात नहीं, याद रखना मेरी बात, जब भी प्रकाश किरण कभी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है, इसी का उल्टा यदि वो रेयर से डेंसर में जाए तो अभिलंब की ओर झुकेगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल जब डेंसर से रेयर की हो जाए, जब रेयर से डेंसर की हो जाए तो टुवार्ड्स द नॉर्मल। ऐसा मैंने मुंह बना लिया क्योंकि भ्रम में भी हो जाता हूँ जब जाना बोल देता हूँ। देखो आप शाब्दिक समझिएगा, जब डेंसर से वो रेयर की हो जा रही है तो अभिलंब से दूर जाएगी, अब एक प्रॉब्लम नॉर्मल, जब रेयर से डेंसर की हो जा रही है तब क्या होगा, टू वार्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुकेगी, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की जा रही हो तो अभिलंब से दूर जाएगी। अब तो ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल खींचा तो आपको पता वो अभिलंब से दूर जाएगी, फिर प्रकाश किरण और आई फिर वो अभिलंब से दूर गई, और आई प्रॉब्लम से दूर गई। आपको मैंने बताया था किसी समय ऐसा हुआ कि जो इंसिडेंट एंगल है, जो इंसिडेंट एंगल है उसका मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, उसका मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। अब इंसिडेंट एंगल का मान जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तब कौन सी घटना घटित होगी, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होगा यानी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताना पड़ता है, उसका अनुप्रयोग पड़ता है उसे बताना पड़ता है कि इसमें TIR कहाँ लग रहा है, कैसे इसमें रिफ्लेक्शन हुआ, कैसे इसमें क्रिटिकल एंगल का फंडा लगा, ये सब आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो जब इसका मान आई का मान सी से ज्यादा हो जाएगा तो वो प्रकाश किरण ऐसे मूव हो जाएगी, जब मूव हो जाएगी अब कोई व्यक्ति खड़ा है भाई, सब आप खड़े हो यहाँ पर ऐसे करके आप बना दिए मैंने, अब आप इस अब क्या देखो, आप यहां से इस वृक्ष को देखोगे तो आपको जो प्रतिबिंब है वो इसका उल्टा दिखाई पड़ेगा, आपको जो प्रतिबिंब है वो उल्टा दिखाई पड़ेगा, आपको जो प्रतिबिंब है वो उल्टा दिखाएगा, यानी उल्टा प्रतिबिंब क्या पेड़ के नीचे दिखाई पड़ेगा, नहीं उसकी आपको छाया दिखाई पड़ेगी, उसका सैड सैड मतलब छाया दिखाई पड़ेगी, जब छाया दिखाई पड़ेगी तो आपको भ्रम होगा, देखो छाया दिखाई पड़ेगी, देखो ये छाया दिखाई पड़ रही है, जब ये छाया दिखाई पड़ रही है तो आपको ये भ्रम होगा यहाँ पर क्या पर वाटर है। अब डेजर्ट में क्या होता है, व्यक्ति पानी की तलाश में पहले ही घूमता है, अब यात्री कर जाते हैं वहां पर तो पानी जाना गला सूखता है भाई, गर्मी है गला पानी जाना प्यास लगता है, तो व्यक्ति को लगता है वहां पर पानी है तो वो जाता है और क्या होता है वहां पर पानी नहीं होता, तो उसके साथ क्या घटित होता है, धोखा, उसके साथ धोखा होता है, वो कहता है मुझे धोखा हो गया यार यहाँ पर पानी है, एक इल्यूजन हो गया, एक भ्रम हो गया भाई। तो इतनी बात समझ में आपको आ गई, देखो समझ में आ गई तो बढ़िया बात है, ना ही हो तो फिर से मेरी वीडियो को बैक करके देख लेना, मैं वापस नहीं बताऊंगा ये क्या रंगबाजी आ गई, वापस क्यों नहीं बताओगे, बता देंगे ठीक है, फिलहाल ये समझ लीजिएगा थोड़ा इंग्लिश, मैंने कहा था हॉट डे इन समर, गर्मी का एक गर्म दिन, यहाँ पर क्या जो लेयर होती है नीचे जो लेयर होती है, लेयर जो सरफेस से अटैच होती है वो लेयर एयर के काफी क्लोज होती है, पर जब वो हीट होती है तो क्या होती है, दूर दूर जाती है, जब वो हीट होती है तो कैसी हो जाती है, दूर दूर जाती है, लेयर मीडियम विरल माध्यम जैसे दूर दूर हो जाती है, जब दूर होगी तो उनकी अड़ू काफी काफी दूर जाएंगे, जब रेयर मीडियम में आ गए तरफ दूर दूर है तो उनके अणु काफी काफी दूर दूर जाएंगे, जो ऊपर वाली जो परत होंगी वो कैसी होंगी, दैट इज डेंसर मीडियम में सघन माध्यम आ जाएगी, तो प्रकाश किरण जो हमारी आएगी वो कैसी आएगी, वो डेंसर से रेयर की ओर आएगी, जब प्रकाश किरण हमारी डेंसर से रेयर की ओर आएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी, तो किसी समय ऐसा होगा, कैसा होगा, किसी समय ऐसा होगा उसका जो मान है आई का मान इंसिडेंट एंगल का जो मान है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, जिस समय इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ उसी समय हमारी जो आंख जो मतलब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसका उल्टा बनेगा, क्योंकि हम प्रतिबिंब को सीधे देखेंगे, तो सीधे देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बना दिखाई पड़ेगा, तो उल्टा मतलब पेड़ के नीचे नहीं उसकी छाया उसकी साइड, तो उसी की छाया के भ्रम में हम जाएंगे कि वहां पर कुछ ना कुछ तो है, पानी है पक्का पानी है, अब लोग पानी की जन तलाश में घूमते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे वहां पर पानी क्यों कहें, वहां पर और कुछ नहीं हो सकता है भाई, आपको ना
डे नाइट में लोग किसकी तलाश करते हैं? पानी की। अब उनके माइंड में थीम बन चुकी है, मुझे पानी खोजना है। अब जब उनके साथ ये घटना घटित होगी तो वे क्या समझेंगे? वहां पर पानी है, ये इतने समझेंगे वहां पर आइसक्रीम पड़ी है, ये तो नहीं समझेंगे ना। तो वहां पर वो लोग पानी समझेंगे, इसलिए वहां पर धोखे से चले जाते हैं और वहां पर कुछ नहीं होता, उनके धोखा होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे इसी पर आधारित था, कॉन्सेप्ट जो TIR का एप्लीकेशन था, जाना जाना ही मैंने आपको इजी लैंग्वेज बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं आया है तो कमेंट करना, फिर से बताऊंगा एक अच्छी तरीके से। आपने कभी कमेंट नहीं की कि समझ नहीं आया? अरे धोखे से कमेंट करके देखना, उस टॉपिक को मैं इतना डिटेल बताऊंगा उसी दिन, आप देख के तो देखना कभी। तो पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट। वेरी बेस्ट कह दिया, वीडियो नहीं क्लोज की, चलो वीडियो क्लोज करता हूँ, बाय। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं आप लोग अधिकतर वीडियो रात में बनाते हो, कहते हो ना आज मैं जो वीडियो बनाया वो सुबह बना रहा हूँ, सुबह मॉर्निंग टाइम देखो कितना हुआ है, टाइम हुआ है 6:54, यानी सुबह का टाइम है। नहा धो के बैठा था कि गला इसलिए थोड़ा बैठा था क्योंकि नहा धो के आया हूँ, काम भी था। ठीक है, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक, बाय बाय। क्या गुड नाइट? गुड नाइट बोल दी, जबकि बोलना क्या था? गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग।